गुजरात जला था बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि वहां कुछ जातियों को आरक्षण के लिए भड़काया गया था। मिला उन्हें आरक्षण नहीं तो आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया? क्योंकि वहां चुनाव समाप्त हो गए थे। राजस्थान जला था बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि वहां भी कुछ जातियों को आरक्षण के लिए भड़काया गया था। मिला उन्हें आरक्षण नहीं तो आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया? क्योंकि वहां भी चुनाव समाप्त हो गए थे। हरियाणा जला था बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि वहां भी कुछ जातियों को आरक्षण के लिए भड़काया गया था। मिला उन्हें आरक्षण नहीं तो आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया? क्योंकि वहां भी चुनाव समाप्त हो गए थे। अब महाराष्ट्र जलने लगा है, आग और भी तेज होगी, बहुत सी नर बलिया दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां कुछ समुदायों को आरक्षण चाहिए। मिला उन्हें आरक्षण नहीं। 1947 से 2014 तक कुल 11 मराठा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने अपने समुदाय को आरक्षण देने लायक नहीं समझा। शरद पवार सहित कुछ पूर्व मुख्यमंत्री तो आज भी जीवित है। इनसे पूछो कि जब आपके हाथ में राज्य और केंद्र दोनों की सत्ता थी तब आपने क्यों नहीं दिया आरक्षण? तब यदि मराठा आरक्षण नियोजित था तो दिया क्यों नहीं? और यदि ये उचित नहीं है तो आज इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब हो रहा है 2019 के चुनाव में मोदी जी की क्लीन छवि पर दाग लगाने के लिए। और सारे के सारे आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में। फिर से ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही होते हैं। ये तो एक ऐसा षड्यंत्र है जो अब इनके लिए हर चुनाव जीतने का मॉडल बन चुका है। तो आइए ये मॉडल का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले कोई भी बीजेपी स्टेट में जाकर आरक्षण का मसला उठाओ, फिर दंगे भड़काओ, पब्लिक प्रॉपर्टी को करोड़ों अरबों का नुकसान पहुंचाओ, लाठियां चलवाओ और फिर बिकी हुई मीडिया को खुराक दे दो, जो घायलों को दिखाकर टीवी पर सुर्खियां बटोर रहे कि देखो देखो मोदी के राज में क्या हो रहा है। पुलिस कुछ एक्शन ना ले तो इनकी स्टोरी होगी, देखो भैया पुलिस तो चुपचाप तमाशा देख रही है, और अगर एक्शन ले तो फटाक से विक्टिम कार्ड निकालो और मासूम बालक बनकर बैठ जाओ। अरे अब तो समझो मेरे भाइयों, इतिहास के पन्ने खोलकर देख लो, इस देश को विदेशी शासन ने नहीं हमारी कमजोर एकता ने तोड़ा है, और आज भी वही हो रहा है। चाहे हरियाणा का जाट, गुजरात का पटेल, राजस्थान का गुर्जर या फिर महाराष्ट्र का मराठा, देश को जातियों में बांटकर वोट लेने का एक असफल प्रयास। और इन सब आंदोलनों के कर्णधार कौन है? हम आम जनता नहीं बल्कि देश को लूटने वाले सत्ता के भूखे और देशद्रोही कांग्रेसी बुद्धिजीवी और वामपंथी है। ये मॉडल को फॉलो करने से हमारा देश कभी भी अमेरिका या चीन नहीं बन सकता। और जो आरक्षण की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं उन्हें करारा जवाब देना होगा। जय हिंद। और हाँ, वो कौन है जो कभी टोपी पहन लेते हैं तो कभी जनेऊ, ये भी जरा सोचिए।